यदि संतोषजनक नहीं लगता है तो हम इसके ऊपर इंक्वायरी बैठाने का किसी प्रक्रिया पूरी की बिना प्रक्रिया जी किसी पूछा ही नहीं जी, फिर आपकी मन मर्जी करते हैं सरपंच जी। तो इस पे हम कोशिश करेंगे कि अगले हफ्ते कुछ ना कुछ कार्यवाही शुरू हो जाए। हाँ जी दिलबर जी, आज आप BDPO साहब से मिले हो, किस प्रकार की शिकायतें हैं आपकी? मेरा नाम दिलबर सिंह है जी, गांव तिगरा है जी। मैंने जी BDPO साहब के सरपंच के गमन के लिए आया हूँ। अच्छा, ये जो आपने शिकायत दी है BDPO साहब को, इसमें क्या कुछ आपने शिकायत की है, क्या लिखा है इसमें जी? पुराने पंचायत भवन में कराए गए कार्य में जी गमन, छत की टाइलों का गमन जी, नंबर दो जी गणपत श्री गणपत के घर से मेन रोड की तक की टाइलों का, पुराने टाइलों का गमन जी, नए रोड बनवाए जी, नंबर तीन जी मैंने गमन पुरानी डालियों का जी, नंबर चार जी सोलर लाइटों का गमन जी, और नंबर पाँच जी गांव के सांसद धर्मवीर द्वारा दिए गए सामान, खेल सामान के जी। तो आपको क्यों लगता है कि भाई टाइलों में इनमें सब में गमन हुआ है जी? मैं खुद देख के आया हूँ जी, मैं फोटो बना के लाया हूँ जी इनकी। अच्छा, सब सामानों की नहीं, आप जानकारी बता रहे थे कि टाइलों को बेच दिया है बिना किसी प्रक्रिया पूरी की? बिना प्रक्रिया जी किसी पूछा ही नहीं जी, फिर आपकी मन मर्जी करते हैं सरपंच जी। एक ये भी जो पंचायत घर में भी जो पैसे लगाए गए थे उसकी भी हालत ठीक नहीं है? हाँ जी, उसकी भी खराब है जी। अच्छा, आपने बताया BDPO साहब को? बताया जी BDPO साहब। BDPO साहब ने क्या कुछ कहा है? BDPO साहब ने जी, और हमने मौका लेंगे इसका जी, मौका देखेंगे और उसके बाद जांच करेंगे। हाँ, जांच करेंगे। चलो सर, अभी कुछ समय पहले जो तिगरा के दिलबर सिंह जी हैं, उन्होंने एक शिकायत आपको दी है और वो मीडिया से भी मिले हैं, मीडिया को भी कॉपी दिए है। उन्होंने कुछ सरपंच पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने टाइलों में और स्ट्रीट लाइट और काफी चीजों में, पाइपलाइन इन सब चीजों में गबन किया, उनका आरोप है सा। तो इस पर आप क्या कुछ कर रहे हैं? उन्होंने जांच की मांग की है। देखिए, सबसे पहले तो इसमें ये है कि हमने उनके आरोप का संज्ञान लेते हुए हम अपनी कार्यवाही जो है वो इनिशिएट इस प्रकार से करेंगे कि पहले हम सरपंच से स्पष्टीकरण मांगेंगे इस चीज़ का। अगर यदि हमको संतोषजनक लगा तो ठीक है, यदि संतोषजनक नहीं लगता है तो हम इसके ऊपर इंक्वायरी बैठाने का हम एक सोच रहे हैं, हम विचार कर रहे हैं कि इंक्वायरी हो, उसमें प्रॉपर जितने पार्टीज हैं वो अपनी अपनी बात कहें, गाँव के अन्य लोग जिन्हें भी ऐसा लगता है कि कुछ गबन हुआ है, कुछ धांधली हुई है इन कामों में, तो वे भी अपनी बात यहाँ पे रख सकें। संभव हुआ तो हम एक बार मौके पे जाकर के भी इस चीज़ का मुआयना करेंगे कि वास्तव में जो समस्याएं हैं क्या वो उसी प्रारूप में हैं कि नहीं है। तो पूरा प्रयास किया जाएगा कि मतलब जनहित को देखते हुए कुछ नियमानुसार कार्यवाही हो। अच्छा सर, तिगरा के अंदर लगभग साल भर पहले सांसद जी ने खेल का सामान दिया था और उनका आरोप है कि जो खिलाड़ी हैं या गांव के जो युवा हैं वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, बल्कि सरपंच ने अपने पास ही रखा हुआ है अब तक भी, इस पर क्या? जी हाँ, मुझे अभी उन्होंने इस बात से अवगत किया था, तो मैं जैसा पहले भी कह चुका हूँ कि इसमें भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यदि इसको सत्य पाया जाता है तो फिर उसमें हम जो भी एक्शन मैंडेटेड होगा वो हम लेंगे। एक सर, जो ग्राम सभाओं की मैंने आपसे पहले भी इस बारे में बातचीत की थी, काफ़ी पंचायतों में ग्राम सभाएं हुई नहीं है पिछले एक साल में जब से नई पंचायत गठित हुई है, तो इस पर क्या कौन सा आप कोई एक्शन लेंगे सेक्रेटरी के खिलाफ या जिन सरपंचों ने अब तक नहीं करवाई है ग्राम सभा उस पर? देखिए, ये जो आप बात कह रहे हैं इसमें ये सत्यता इसमें कुछ हद तक हो सकती है, तो हमारा यही है कि हम पहले सभी ग्राम पंचायतों से इस मामले में जानकारी लेंगे कि ग्राम सभा कंडक्ट की गई है कि नहीं की गई है, और की गई है तो किस तारीख को की गई है, उसका पूरा ब्यौरा मांगा जाएगा ग्राम पंचायतों से। तो यदि ऐसा पाया जाता है कि कुछ ग्राम पंचायतों ने जो है ग्राम सभा कंडक्ट नहीं कराई है एज पर रूल्स, तो फिर उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन पहले हम अपनी ओर से पूरी जाँच करेंगे कि वास्तव में वस्तुस्थिति क्या है। आखिर पीछे जो पंचायतों से चार्ज लिया गया था नई पंचायतों के द्वारा, उसका भी कहीं लेखा जोखा काफी पंचायतों में नहीं दिया गया है, क्योंकि जो ग्राम सभाएं जैसे अक्टूबर में 2 अक्टूबर को ग्राम सभा हुई थी हमारे इस क्षेत्र में या पूरे हरियाणा की कह सकते हैं, और उसमें जो है जल संरक्षण और साफ सफाई पर 1 घंटे, क्योंकि जो ग्राम सचिव उसके पास 6 गाँव हैं, 6 या 7 गाँव दिए गए थे और उन्होंने किसी गांव में 3 से 4 या 4 से 5 या 1 से 2, यानी 1-1 घंटे में ग्राम सभा हो नहीं सकती, ये मुमकिन ही नहीं है कि 1 घंटे में ग्राम सभा में अगले 4-6 महीने का जो है फोकस किया जा सके, क्या कुछ अगले 4 महीने में करेंगे या पिछले 4 महीने में हमने क्या कुछ किया है, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जल संरक्षण पे और साफ सफाई पे भी उसी 1 घंटे में बता दिया गया। तो कहीं ना कहीं इसमें हमें भी ऐसा लगता है कि ग्राम सभाएं
सही तौर पर नहीं हुई है, कुछ गांवों की बात हम कर रहे हैं। देखिए अभी एक समस्या ये भी है कि हमारे पास ग्राम सचिव जो है इनकी वैकेंसीज काफ़ी है, कई ग्राम सचिव के यहाँ पे सैंक्शन पद 16 हैं जबकि हमारे पास मात्र 6 उपलब्ध हैं। तो ग्राम सचिवों को भी बहुत अधिक गांवों की जिम्मेदारी दी गई है, इसलिए उनके ऊपर लोड काफ़ी है। हमारा भी प्रयास यही है, हमने बात की है इस सिलसिले में कि ग्राम सचिवों के पद उनको भरा जाए, वैकेंसीज को प्रॉपर जो भी रूट है उससे भरा जाए, ताकि ये जो काम है गांव ग्राम पंचायतों के और ग्राम सभा के, ये काम सुचारू रूप से हो पाए। बाकी रही बात आपकी एक घंटे की बात की, तो देखिए ऐसा है कि क्वालिटी जो है ना, डिस्कशन की क्वालिटी मैटर करती है, नॉट द लेंथ। तो अगर उसमें कोई ठोस अगर बातें हुई हो तो उसमें कोई समस्या नहीं है। हालांकि फिर भी जो है ग्राम सभाएं और अच्छे तरीके से चालू हो पाए तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि सचिवों की भर्ती हो, सचिवों को जो है उनका कार्यभार थोड़ा कम किया जाए। सर क्या सुनिश्चित किया जाएगा कि ग्राम सभाएं पंचायत घरों में हो, और उसमें कितने लोगों का आना अनिवार्य, जो आम ग्रामीण है कितने लोग आने चाहिए कम से कम? जो भी कोरम जो है ग्राम सभा के, देखिए पंचायती राज एक्ट के अनुसार जो है कोरम रहता है 1/10 का, तो उतने तो लोग होने ही चाहिए वहाँ पे। तो बाकी देखिए ऐसा है कि हाँ ग्राम सभा ग्राम पंचायत जो है ये पंचायत घर में ही आयोजित की जानी चाहिए। यदि ऐसा कुछ पाया जाता है कि ऐसा नहीं है, जो कि देखिए कभी मौका मुआयना भी किया जा सकता है इसका अचानक से, तो उसमें अगर पाया गया कि ऐसा नहीं हो रहा है, ग्राम पंचायतें पंचायत घर में नहीं हो रही है, तो उस पर हम एक्शन लेंगे। जो फिगरा के दिलवर सिंह ने जो अभी शिकायत दी है, इस पर कब तक काम हो जाएगा सर? जी मैं कोई ऐसा आपको टाइमलाइन बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि देखिए अभी कार्य और भी कई सारे हैं, लेकिन हाँ काम होगा। मैं बिल्कुल उनको भी हमने यही आश्वासन दिया है कि एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि देखिए जनहित से जुड़े हुए जो भी काम है हमारी प्राथमिकता में वही रहते हैं, तो इस पर हम कोशिश करेंगे कि अगले हफ्ते कुछ ना कुछ कार्यवाही शुरू हो जाए। चलिए थैंक यू सर जी।